एक नॉर्थ के जासूस की दुख भरी कहानी जो आपको रुला देगी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें वॉन नाम का जासूस दिखता है जिसका सीनियर कहता है अब तो या दोस्त बन के मिलेंगे या तो दुश्मन बन के, जिंदा रहने की कोशिश करना, अगर मरे तो लेजेंडरी मौत मरना। और सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है, वॉन डोंगसू नाम से साउथ कोरिया में रह रहा था, वो नॉर्थ का जासूस था और वो पागल बन के रह रहा था। उसने हर वक्त एक एक्टिंग पकड़ रखी थी, वो हर वक्त गिरते रहता था, पागलों जैसी एक्टिंग करता था जिससे किसी को उस पर शक ना हो। और वो एक ओल्ड लेडी के साथ रहता था, ओल्ड लेडी बहुत पैसे बचाती थी, वो डोंगसू को अपने बेटे जैसा मानती थी। और सेकेंड लीडर आता है, वो भी जासूस बन के साउथ में रह रहा था, उसे 16 साल से कोई मिशन नहीं मिला था, डोंगसू भी मिशन मिलने का इंतजार कर रहा था। और हर महीने डोंगसू को पागलों वाला काम करना पड़ता था जिससे सबको ये साबित हो जाए कि वो पागल ही है, और वो रोड पे शिट भी करता है इसी चलते, और उसकी क्रश उसे देख लेती है और डोंगसू को बुरा लगता है। बाद में रैंग नाम का जासूस आता है, वो डोंगसू को जानता था इसलिए पहले वो फाइट करते हैं, रैंग नॉर्थ में बोर हो रहा था इसलिए उसे यहाँ मिशन पे भेजा था, वो जनरल का सौतेला बेटा था। डोंगसू उससे उसका मिशन पूछता है, रैंग नहीं बताता। और बाद में डोंगसू को पता चल जाता है रैंक का मिशन था यहाँ एक ऑडिशन क्लियर करना, और ये काफी टफ था। और एक दिन डोंगसू के एरिया का एक बच्चा खोता है, डोंगसू फेस ढक के उसे ढूंढता है। और बाद में सेकंड लीडर डोंगसू के पास आता है और उसे मारने के लिए कहता है क्योंकि उसकी फैमिली वाले चाइना भागते हुए पकड़े गए थे। और सेकंड लीडर को मिशन मिला था साउथ के ऑफिसर्स को मार के मरने का, और सेकंड लीडर इन सबसे परेशान हो गया था, वो मरना चाहता था। डोंगसू उसको कहता है हमेशा जिंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए और अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। और दूसरी तरफ जिन नाम का एक ऑफिसर साउथ ऑफिसर्स को मारता है स्नाइपिंग से। और बाद में डोंगसू लेटर लिखता है हमेशा अपनी माँ के लिए, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था इसलिए वो मिशन पे भी आया था। जिन उससे मिलने आता है, डोंगसू उसका कैप्टन था और जिन डोंगसू के लिए कुछ भी कर सकता था। बाद में तीनों बात करते हैं, रैंक कहता है अब मिशन पे बच्चों को भी भेजने लगे क्या। और उसके बाद जिन अपने घाव के निशान दिखाया था, उसने आने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। बाद में कुछ गुंडे एक ओल्ड लेडी को परेशान कर रहे थे, डोंगसू पागल बन के बचाने की कोशिश करता है लेकिन गुंडे ओल्ड लेडी को धक्का देते हैं। डोंगसू को गुस्सा आता है, ओल्ड लेडी उसे कुछ ना करने के लिए कहती है, डोंगसू को लगता है सब पता है। और बाद में नॉर्थ वाले साउथ से रिश्ते सुधारना चाहते थे इसलिए वो सारे जासूसों को मारने का ऑर्डर देते हैं। और उस समय सीनियर कहता है उन्हें मार के द्रोही मत बनाइए, उन्हें सुसाइड का मिशन दीजिए, जो नहीं मरेगा उसे मैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक डिटेक्टिव डोंगसू को बुलाता है, उसे उसका सच पता चल गया था, वो कहता है तुम यहाँ आराम से रहो, मिशन वगैरह भूल जाओ, उनके लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। डोंगसू अपने देश के प्रति वफादार था। और अचानक रैंक डोंगसू और जिनको मिशन आता है उन्हें सुसाइड करना था, सब हैरान होते हैं और ज्यादातर जासूस सुसाइड कर लेते हैं। डोंगसू रैंक सुसाइड नहीं करना चाहते थे, जिनको उस समय कहता है साउथ के कुत्ते बन गए हो क्या। डोंगसू कहता है हम दूसरा तरीका निकालेंगे, साउथ वालों को भी सुसाइड की बात पता चल गई थी। वो भी परेशान होते हैं, साउथ वाले जिनको पकड़ते हैं और सरेंडर करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता था नॉर्थ वाले उन्हें मार देंगे। डोंगसू कहता है उसे कुछ काम है अब जिनका अच्छे से ख्याल रखना। और सीनियर डोंगसू और बाकी बच्चे जासूस को मारने आते हैं। डोंगसू को पता था अब उसका गुड बाय कहने का टाइम आ गया है, वो अपने बाल कटवाता है, सबसे नॉर्मली बात करता है, सबको अच्छी सलाह देता है क्योंकि वो सबको अपने परिवार जैसा मानता था। वो ओल्ड लेडी को गुड बाय कहता है, ओल्ड लेडी उसे खाना खाने के लिए कहती है, उसका कोट देती है जिसे वो पहली बार पहन के आया था। डोंगसू एक जगह पे जाता है, सीनियर उसे मारने आता है। डोंगसू सीनियर से कहता है क्या मेरे मरने के बाद मेरी माँ का ख्याल रखा जाएगा। सीनियर कुछ नहीं कहता, डोंगसू कहता है इतना ही बता दीजिए मेरी माँ जिंदा है। सीनियर उसे मारने लगता है, रैंग आता है बचाने। दूसरी तरफ जिनको सीनियर्स के आने की खबर पता चलती है, वो डोंगसू को बचाना चाहता था। वो साउथ ऑफिसर से बहुत रिक्वेस्ट करता है और उनका साथ देने का वादा करता है और सब जाते हैं और डोंगसू और रैंक सबसे लड़ते हैं। सेकेंड लीडर आता है और हमें इसका सच पता चलता है, ये तो बस यहाँ जासूसों पे नजर रखने आया था। वो डोंगसू को भी झूठ कह रहा था। डोंगसू उदास होकर कहता है मैं मर ही जाता हूँ, पार्टी वाले मेरी माँ का ख्याल रख लेंगे। सेकेंड लीडर हंसते हुए कहता है पागल बनने का नाटक करते हुए सच में पागल बन गया है क्या, तेरे यहाँ आते ही तेरी फैमिली को जेल में डलवा दिया गया और जैसे सुसाइड का मिशन मिला सारे जासूसों की फैमिली को मरवा दिया। डोंगसू रोता है और वो कहता है मैं मॉन्स्टर बन गया हूँ। और रैंक उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है, रैंक की लाइफ में कुछ भी नहीं बचा था, वो बस डोंगसू का साथ देता है। और सीनियर आता है मारने सबको, बहुत भयानक फाइट होती है, डोंगसू को सीनियर बहुत मारता है लेकिन जिन सीनियर को गोली मारता है और कहता है मेरे लिए कैप्टन पहले और उसके बाद, वो साउथ के ऑफिसर्स भी थे वहाँ पे। रैंक का मैसेज आता है उसने ऑडिशन निकाल लिया था, वो खुश होता है। सीनियर बॉम्ब निकालता है और कहता है चलो सब एक साथ शहीद होते हैं। रैंक सीनियर को धक्का देकर बिल्डिंग से कूदता है और रैंक सीनियर के साथ मर जाता है। जिन साउथ वालों पर शूट करता है और डोंगसू को भागने के लिए कहता है। डोंगसू सदमे में था अपनी माँ के बारे में सुनकर, तभी उसके कोट से एक पासबुक निकलती है जिसमें वो देखता है ओल्ड लेडी हर महीने डोंगसू के लिए पैसे जमा करती है। डोंगसू को रोना आता है क्योंकि ओल्ड लेडी उसे अपने बेटे की तरह मानती थी।
साउथ ऑफिसर जिन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जिन उसे गोली मार देता है और सारे लोग जिन को मारते हैं। डोंग सू जिन को लेकर बिल्डिंग से कूदता है क्योंकि वो अपने देश के लिए वफादार रहना चाहता था। जिन उसे पूछता है अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं। डोंग सू कहता है मैं बस शांतिप्रिय देश में पैदा होना चाहता हूँ। और बाद में हमें दूसरी एंडिंग दिखती है जिसमें जिन रैंग डोंग सू मिशन के बारे में बात कर रहे थे, उन्हें मिशन मिला था वापस आने का, लेकिन हमें ये एंडिंग फेक लगती है कमजोर दिल वालों के लिए। और लास्ट में हमें दिखता है ओल्ड लेडी डोंग सू की याद में पेंटिंग बनवाती है और डोंग सू ने फोटो के पीछे लिखा था माँ बीमार मत पड़ना और प्लीज़ अपना ऑपरेशन करवा ही लेना मेरे लिए। और ओल्ड लेडी रोती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।